तो लॉकडाउन का असर लोगों की धार्मिक आस्था पर भी पड़ रहा है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जन करने का प्रचलन है, लेकिन लॉकडाउन के कारण अब अस्थियों को भी मोक्ष का इंतजार है। नागौर के कुचामन सिटी में मृतकों के परिजन लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच कुछ लोग तय समय में क्रियाक्रम के लिए स्थानीय धार्मिक महत्व की नदियों में अस्थियों को विसर्जित कर रहे हैं। लॉकडाउन चालू हुआ है तब से लोगों को जो है अपने अपनी जो है माताओं की और पिता पिताजी की जो है अस्थियां जो है ले जाने में दिक्कत आ रही है और सब लोग जो है मारे मारे फिर रहे हैं और जो है यही मोक्ष धाम में इकट्ठी कर रखी है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इनको जो है अगर मान लो एक अलग अलग नहीं भेज भेज सके तो एक ही किसी एक एक आदमी को अपने साथ ले जा करके और जो है वहाँ पे हरिद्वार के अंदर जो है उनके अस्थियों को विसर्जित कर दी जाए ताकि जो है निपटारा हो सके, ताकि वो अपने अपने समय में अपने समय के अनुसार जो है अपने अपने वापस काम में लग सके। इसके लिए वो इसके लिए बैठे हैं कि चलो ये काम पहले हो जाए तो हो जाए।